सीएम पंक का रिटर्न हुआ पक्का, देखने को मिलेंगे अगले हफ्ते से, लेकिन कहां जाएंगे आज किस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG तो गाइस अजब हो चुका है, गजब हो चुका है, इम्पॉसिबल आज पॉसिबल हो चुका है। तो गाइस विंस मैकमैन कहते थे नेवर से नेवर, मैं कभी भी इस चीज पर विश्वास नहीं करता था क्योंकि इसका मतलब होता है कि WWE के अंदर किसी भी चीज को ना मत करो, लेकिन आज दोस्तों विश्वास हो गया, विंस मैकमैन सही कहते थे, सीएम पंक की होने जा रही है वापसी। अब ये चीज दोस्तों कोई रूमर नहीं है, ये चीज दोस्तों कोई खबर नहीं है जो कि उजड़ी हुई खबर है, यानी कि काफी पुरानी खबर है, ये करंट न्यूज है, 100% कंफर्म्ड हो गया है दोस्तों, सीएम पंक ने वापसी कर दी है WWE के शो यानी कि WWE बैकस्टेज में। तो अभी से दोस्तों ठीक 1.5 घंटे पहले 11:15 बजे दोस्तों WWE ने पोस्ट डाली कि सीएम पंक हमारे शो यानी कि WWE बैकस्टेज को ज्वाइन कर चुके हैं और अगले यानी कि नेक्स्ट वीक से हमें कॉन्टिन्यूसली उस शो पर देखने को मिलेंगे। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ क्योंकि ऑब्वियसली दोस्तों ये काफी बड़ी थिंग थी, लेकिन उसके बाद जब मैंने रिसर्च की तो पाई एक वीडियो जो कि दोस्तों रोंगटे खड़े करने वाली थी, जिसके अंदर दोस्तों सीएम पंक स्वयं पधारे हैं। वीडियो के अंदर दोस्तों क्या चीज देखने को मिलती है, ये वीडियो आज की है, आज दोस्तों WWE बैकस्टेज शो आ रहा था और उसके अंदर दोस्तों रेने अंग खड़ी हुई थी जो कि उसकी होस्ट है, साथ ही में दोस्तों बुकर टी, पेज, एडम कोल और समुआ जो पीछे थे। वहां दोस्तों रेने अंग क्या कहती है कि अभी शो के अंत से पहले उनके पास कुछ सरप्राइज है, एक थिंग है, जिस पर दोस्तों रेसलर्स पूछते हैं जो कि पीछे खड़े थे कि आखिर कैसी थिंग है कि थीम बज जाता है सीएम पंक का, यानी कि कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी। और दोस्तों जो मोमेंट था वो गूस बम्स लाने वाला था, सीएम पंक का दोस्तों वहां एंट्री देखने को मिलता है, दरवाजा खुलता है, सीएम पंक निकलते हैं और दोस्तों उसके बाद जो सीएम पंक कहते हैं रिंग में आके, वो भी काफ़ी बढ़िया थिंग थी। सीएम पंक दोस्तों वहाँ जो रिंग बनी हुई थी यानी कि स्टेज बना हुआ था उसके अंदर एंटर किए और वहाँ दोस्तों वो क्या चीज़ कहे, वो बोले कि जब तक तुमने सोचा कि सारे आंसर्स तुम्हें मिल चुके हैं, मैंने पूरे कल्चर को ही चेंज कर दिया, यानी कि अब थिंग्स चेंज होने वाली है क्योंकि सीएम पंक दोस्तों इस शो को ज्वाइन कर चुके हैं। लोगों ने दोस्तों ये चीज़ समझ ली थी कि सीएम पंक अब नहीं लौटेंगे, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो गए थे इस बात को लेकर कि ये चीज़ तो देखने को मिलेगी ही नहीं, लेकिन दोस्तों ये चीज़ देखने को मिल गई। आज से लगभग 2 महीने पहले मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि वाकई में सीएम पंक को देखा गया है WWE के बैक स्टेज, WWE शो को अप्रोच करते हुए जो कि फॉक्स नेटवर्क वालों का है, उन्होंने डायरेक्टली WWE वालों को अप्रोच नहीं किया है। और ऐसे में दोस्तों पहले तो लगा कि रूमर होगा, उसके बाद हमें ये चीज़ पता चली कि सीएम पंक खुद बोल रहे हैं कि हाँ वो ऑडिशन दिए हैं, लेकिन आज दोस्तों ये जो रूमर्स थे, जो ये थिंग्स थी, ये क्लियर हो चुकी है, क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है, सीएम पंक WWE को ज्वाइन कर लिए हैं। सीएम पंक हमें उनके टॉक शो यानी कि WWE बैकस्टेज में देखने को मिलने वाले हैं। अब आप पूछेंगे ये टॉक शो किस तरीके का होता है, ये टॉक शो इस तरीके का होता है कि इसके अंदर रेसलर्स बैठते हैं और जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो बैठते हैं और बात करते हैं कि इस हफ्ते क्या कुछ हुआ, कौन से रेसलर को क्या करना चाहिए, आगे क्या चीज़ होनी चाहिए, इस तरीके का ये शो रहता है, इतना ज़्यादा एक्साइटिंग ये शो नहीं रहता है। बट गाइस सीएम पंक अब इसमें आ चुके हैं तो ये शो खुद ब खुद एक्साइटिंग बन जाएगा, साथ ही साथ इसमें दोस्तों हमारा क्या फ़ायदा है क्योंकि हम लोग तो सीएम पंक को रेसल करता हुआ देखना चाहते हैं। तो गाइज आपको मैं बता दूं, सीएम पंक अगर इस शो का पार्ट होंगे, अगर दोस्तों रेसलर्स के ऊपर बातें करेंगे कि क्या कुछ इस बार की स्मैकडाउन में हुआ, क्या कुछ इस बार की रॉ में हुआ, तो ऐसे में उनका खोया प्यार लौट सकता है रेसलिंग के प्रति। साथ ही साथ दोस्तों अगर वो WWE ऑफिशियल्स के इर्द गिर्द रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो भी उन्हें कन्विंस करेंगे कि वो फिर से WWE को साइन कर ले रेसलिंग के खातिर, और ऐसे में दोस्तों इन फ्यूचर हमें उनकी फाइटर बनते हुए देखने को मिल सकती है। बट गाइस यहां सीएम पंक की वापसी से एक चीज तो क्लियर है कि आपके जितने भी रिलेशन WWE के साथ खराब हो, आप फिर से WWE के अंदर वापसी कर सकते हैं। सीएम पंक वही व्यक्ति है जो कि WWE के साथ एक केस का पार्ट थे, यानी कि कोर्ट केस का पार्ट थे, खूब लड़ाई हुई थी, विंस मैकमैन को गालियां दिए थे, आज खुद WWE में वो जुड़ चुके हैं और नेक्स्ट वीक से दोस्तों हमें WWE बैकस्टेज में देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों सवाल ये बनता है कि जब वो इन रिंग रिटर्न करेंगे तो वहां दोस्तों उन्हें किसे फेस करना चाहिए, ये कमेंट करके मुझे बताएगा जरूर। और आज की वीडियो इतनी सी, पसंद आए वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ है।